हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट गौरव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बुक नॉलेज ऑफ लॉज। आज हम बात करेंगे अवेटमेंट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने सेक्शन नंबर 106 तक कवर करे हैं, जो कि हमारे प्राइवेट डिफेंसेस थे चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 5th स्टार्ट करेंगे अवेटमेंट में। 107 सेक्शन से लेके 120 तक 120 तक अवेटमेंट के बारे में ही बताया गया है कि अवेटमेंट क्या होता है, अवेटमेंट कब ऑफेंस बनेगा। हालांकि इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं आपके 107 से 108 109, ये तीन सेक्शन ही इंपॉर्टेंट हैं। बाद के सेक्शन जो हैं वो सब्सटेंटिव सेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, देखो जैसा आपने देखो कि थेफ्ट का दे दिया, थेफ्ट किस में है। अच्छा, उसके बाद के क्या हो गए, वो उसके सब्सटेंटिव सेक्शन हो गए। अब पूछते हैं ना कि थेफ्ट किस में, 378 में थेफ्ट है। अच्छा, तो थेफ्ट हो गया, लेकिन बाद के जो हो गए वो क्या हो गए, उसके सब्सटेंटिव सेक्शन हो गए। तो इस तरीके से 107, 108, 109 सेक्शन ही थोड़े इंपॉर्टेंट है, उसके बाद के इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, लेकिन हम सारे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अपना बेरेक्ट ओपन कर लीजिए आप सब। सेक्शन नंबर 7 कहता है 107, सॉरी, अबेटमेंट ऑफ ए थिंग। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग हु फर्स्ट इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, सेकेंड इंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन्स और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग, इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी एंड इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट थिंग। थर्डली क्या कहते हैं, इंटेंशनल एड बाई एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। मीन्स कि अबेटमेंट क्या होता है, इसमें बताया गया 107 में। अबेटमेंट आप देखो किसी को उकसा रहे हो, ठीक है, उकसा रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, और आप किसी को या फिर दो या दो से ज़्यादा लोग इंगेज हो रहे किसी कॉन्स्पिरेसी में, जो कि एक अबेटमेंट का काम कर रही है। ठीक है, कोई किसी से आप अनलॉफुल काम करवा रहे हो, और या फिर कोई आप एड प्रोवाइड कर रहे हो इंटेंशनली, जानबूझ कर कोई एड प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, तो वो अबेटमेंट में आता है। लाइक मुझे पता है कि ए और बी का जो है वो झगड़ा हुआ हल्का सा, मैं ए के पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ यार उसने तेरे सामने सबके सामने ऐसी बेइज्जती कर दी, तू ले चाकू ले, तू जाके मार उसे। ठीक है, या हम तीन चार जन उन्होंने देखा, हम तीन चार जने उसके पास गए कि भाई उसने तो सबके सामने तेरी बेइज्जती कर दी, ये कर दिया, तुझे ऐसा बड़ा बुला भी कह रहा था, ये ले चाकू और ले मार। हमने क्या करा, इंगेज हुए, दो से लोग ज़्यादा इंगेज हुए। ठीक है, एक भी हो सकता है, एक भी बेटर हो सकता है, दो या तीन लोग हमने क्या करे, इकट्ठे हुए। इंटेंशनली एड, हमने जानबूझ कर उसे चाकू पकड़ाया, ठीक है, और हम उसे ब्रेन वॉश कर रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे बार बार कि जाओ उसे मार। तो हम कौन कर रहे हैं, हम हो गए अबेटर। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में बता रखा है 108 में अबेटर, तो हम हो गए अबेटर क्योंकि हम अबेटमेंट का काम कर रहे हैं, हमने उसे अबेट करा, इंस्टिगेट कराया, प्रोवोक कराया ताकि वो काम कर सके। हालांकि उसका इनोसेंट माइंड था, उसके माइंड में कोई ऐसा बदला लेने की या कुछ भी ऐसी कोई भावना नहीं थी, लेकिन हमने उसके माइंड में क्रिएट करा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम भी तो क्या हुए, हम भी तो जो ऑफेंस वो कर रहा है उसके लिए लायबल तो हम ही होंगे ना, क्योंकि जिम्मेदार तो हम ही हुए एक तरीके से, अदरवाइज़ उसके माइंड में कोई थॉट्स ही नहीं डालेगा, और वो बिल्कुल इनोसेंट है, ठीक है, लेट गो कर देता है चीज़ों को, लेकिन हमने उसका ब्रेन वॉश इस तरीके से करा, तो कहीं ना कहीं हम भी लायबल होंगे। ठीक है, तो इसमें बताया कि अबेटर भी लायबल होता है उस चीज़ के लिए जो ऑफेंस करा है सामने वाले ने, हालांकि उसने उस टाइम पर वो प्रेजेंस ना हो। ठीक है, या फिर उसने एड इंटेंस, देखो ये तीन जो पॉइंट्स हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें ज़रूरी नहीं है कि तीनों का फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपने इंस्टिगेट करा है, ठीक है, जब जाके वो करता है तब भी आप अबेटमेंट अबेटर कहलाओगे, या फिर आप इंगेज होकर जा रहे हो, या फिर आप एड भी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि तीनों का ही आपने इंस्टिगेट करा, एड नहीं प्रोवाइड करी, कोई चाकू वाकू वेपन कुछ प्रोवाइड नहीं करा, तो तब आप अबेटर नहीं हो गए, ऐसे ज़रूरी नहीं है, तब भी आप अबेटर ही कहलाओगे। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है इसके, सॉरी, अ पर्सन हु बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ ए मटीरियल फैक्ट विच इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज वॉलेंट्रली कॉजेज और प्रोक्योर्स और अटेम्प्ट टू कॉज और प्रोक्योर्स अ थिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसके। ए, अ पब्लिक ऑफिसर इज ऑथराइज बाय वॉरेंट फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू अप्रीहेंड जेड। ठीक है, बी, नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड, विलफुली रिप्रेजेंट टू ए that C is Z and thereby intentionally causes A to apprehend C. Here B abets by instigation the apprehension of C. देखो क्या है, A जो है पब्लिक ऑफिसर है, उसके पास कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोर्ट का क्या था, वारंट था कि वो B को Z को पकड़ के ले गए, और B को पता था कि जो पुलिस ऑफिसर है वो Z को पकड़ने आ रहे हैं। उसने क्या काम करा, C को जो Z नहीं था उसको दिखा दिया कि यही Z है पुलिस ऑफिसर को, और इंटेंशनली जो जो Z था उसको भगा दिया। ठीक है, हेयर बी एबेट्स बाई इंस्टिगेशन, तो उसने क्या करा, पुलिस माइंड, पुलिस वालों के जो है अरेस्ट करने आए थे उनके माइंड में उन्होंने
ये इंस्टिगेट करा एक तरीके से, इंस्टिगेट कर दिया ना उनको, मिसरिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, उनके माइंड में कर दिया कि ये वो नहीं, ये दूसरा है, इसको अरेस्ट करो आप, ये वही पर्सन है। तो वो तो जा रहा था उसको अरेस्ट करने, लेकिन उन्होंने क्या काम करा, इंस्टिगेट इस तरीके से करा कि वही मान लिया उन्होंने कि यही जेड है और उसको अरेस्ट कर लिया। तो ये भी एक तरीके से अबैटमेंट ही हुई। एक्सप्लेनेशन टू, हुएवर इधर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलेट द कमीशन ऑफ द एक्ट एंड देयर बाई फैसिलेट द कमीशन देयर ऑफ इज सेड टू एड एड द डूइंग ऑफ दैट एक्ट। मैंने बताया ना इंटेंशनली एड एड प्रोवाइड करना, जैसे कि सपोज करो मैंने किसी को बोला कि उस घर में जाके चोरी करो, अच्छा चोरी करो, मैंने दे दे चाकू ले लो या गन ले लो कि जब कोई आएगा तो उड़ा देना, ठीक है, इस तरीके से मैंने कहा। तो मैंने इंटेंशनली कराया ना, मेरा इंटेंशन तो यही है, मैं गन क्यों प्रोवाइड करूँ, ताकि कोई रजिस्ट करे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो आप अपना सेफ बाहर आ जाओ, मैं ना फंसूँ, यही तो है मेरा मकसद। तो मेरा जो दिख रहा है, जो मैंने एड प्रोवाइड करी है, तो मैं उसको इंस्टिगेट भी कर रहा हूँ, ठीक है, ये काम करना और ऐसे ऐसे के बाद ये कर देना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी मैं ही अबेटमेंट में ही आऊँगा। तो ये अबेटर का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो नीचे नोट्स में बता रखा है इंस्टिगेशन क्या होता है, ठीक है, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, और या कोई जानबूझ कर मिसरिप्रेजेंट कर रहा है या कंसील कर रहा है, हाइड कर रहा है फैक्ट्स को, वो भी कोई मटेरियल फैक्ट बाय पर्सन एंड वॉलंटरी कॉजिंग और प्रोक्यूरिंग और अटेम्प्टिंग, ठीक है, कॉज और प्रोक्योर अ थिंग टू बी डन, इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन आपको पता है किसी को इंस्टिगेट करना, ठीक है, विलफुल कर रहा है जो मटेरियल फैक्ट को छिपा रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है या अटेम्प्ट भी कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है, वो इंस्टिगेशन हो जाएगा। सॉरी, सेक्शन 108 अबेटर, अबेटर बताया जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अबेटर क्या है, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स इधर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, ठीक है, इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर। देखो एक आपको बताता हूँ, हालांकि वो आगे सेक्शन है, चलो आगे बात करते हैं उसकी। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, जब कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस के लिए अबेट कर रहा होता है, हु अबेट्स इधर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस होने से पहले वो अबेट जब भी तो करेगा, हु अबेट्स इधर द कमीशन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच विच बी एन ऑफेंस, और उस एक्ट को करने के लिए, ठीक है, कि आप ये कर लो, ये एक्ट कर लो जो कि ऑफेंस कहलाएगा, ठीक है, इफ़ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल ऑफ, और वो पर्सन कर रहा है जो लॉ के द्वारा कमिट ऑफेंस कर सकता है, मतलब कि साउंड माइंड का पर्सन, विद द सेम इंटेंशन और द नॉलेज एज दैट ऑफ द, जैसे अबेटर की नॉलेज है वैसे ही सेम इंटेंशन से वो कर रहा है, तो वो अबेटर ही होगा। मतलब कि मैं किसी को बोलता हूँ कि जाके ए का पर्स चुरा लो, ठीक है, अब मेरा क्या है, मैंने उसे बोल दिया, ठीक है, बाद में मैंने तो ऑफेंस अभी उसने करा नहीं है, तो मैंने तो अबेटमेंट अपने स्टार्ट कर दी, मेरा स्टार्ट हो चुका है अबेटमेंट का, ठीक है, क्योंकि मैंने अबेटमेंट उसके माइंड में डाल दिए थॉट्स की जाके पर्स चुरा लो। अच्छा, फिर मैं कोई एड भी प्रोवाइड करूँगी, देखो ये चाबी लो, जाके ऐसे तोड़ के लाना है, लॉक खोल के ऐसे ले आना, तो उसने कर लिया, उसके बाद भी फिर मैंने उसके पर्स को छिपाया, ठीक है, उसे कह दिया तू यहाँ से भाग जा भाग जा, तो ये सारा मैंने अबेटमेंट ही तो कराया, इंस्टिगेट ही तो कराया कहीं ना कहीं उसको ये एक्ट करने के लिए, तो अबेटर ही हूँ मैं, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एक्सप्लेनेशन में कह दिया, द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ टू बी बाउंड टू दैट, कि अबेटर उसकी ज़रूरत नहीं है कि अबेटर उसके लिए बाउंड था, अबेटर बाउंड भी नहीं हो जब भी वो अबेटमेंट ही कहलाएगा ना, अबेटर उसके लिए बाउंड नहीं हो जब भी। एक्सप्लेनेशन टू कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द अबेटेड शुड बी कमिटेड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, देखो जैसे कि ये हमारे एक्सप्लेनेशन बताती है ना इस चीज़ को, कोई इनोसेंट पर्सन है, बिल्कुल इनोसेंट, उसे कुछ ही नहीं पता, मैं उससे कहता हूँ देख ये चाकू ले उसके मार के तो मज़ा आता है, तो मैं भी ये चीज़ कर रहा हूँ ना, ये भी अबेटमेंट में ही आएगा, क्यों, वो तो इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में, मैंने उसको इंस्टिगेट कराया कि भाई तुम ये चाकू लो, या फिर उसकी दुश्मनी है, मैं उसे कहता हूँ भाई, उसे मुझे बताया कि बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, ठीक है, और वो भी हाइपर हो जाता है, जिससे मैं कह रहा हूँ फिर जाकर उसके हल्का सा चाटा मार के, या फिर उससे आर्गूमेंट करो, और मुझे पता है दोनों आर्गूमेंट करेंगे, इतने हाइपर हो जाते हैं एकदम से, कुछ ना कुछ ग्रीवियस हर्ट होगा, तो मैं कर रहा हूँ ना उसको इंस्टिगेट, तो मैं अ बेटर हूँ, ठीक है, अगर मैंने उस चीज़ को कह रहा हूँ कि जाके उसे भाई उसका आज सर्वर फोड़ के आ जा, चला जा, ठीक है, ये गन ले या फिर मारने चला जा, मार दे उसको, मर्डर कर दे, तो हालांकि उसने ऑफेंस नहीं करा, कह रहा है कि क्या क्या कहूँ उससे छोड़, अब वो क्या है, वहाँ मैंने अपना पार्ट तो कर लिया, मैंने जो मेरा रोल था वो तो मैंने फुलफिल कर लिया ना, हालांकि वो एक्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसका क्या था, मेरा उसके माइंड में क्रिएट करना, डाउट क्रिएट करना, या बोलते हैं उसके माइंड को
गंदा करना, ब्रेन वॉश करना, मैंने कर दिया वो काम अपना, भले ही उसने अब कराए या 6 महीने बाद कराए या नहीं कराए, ठीक है, तो मैंने तो अपना रोल प्ले कर दिया, मैं अबेटर बन जाऊंगा, मैं अबेटर कहलाऊंगा, मैं ऑफेंस के लिए लाइबल हूँ। किस ऑफेंस के लिए? जो मैंने जिस चीज़ के लिए उसको प्रोवोक करा है, इंस्टिगेट जिस चीज़ के लिए करा है ना, मैं उसके लिए लाइबल हूँ। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी। ए ने इंस्टिगेट करा बी से, कहा कि मर्डर करते सी के जाकर। बी रिफ्यूज टू। बी कहता पागल है क्या, मैं क्यों मारूँ। ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर, लेकिन मैं लाइबल हूँ क्योंकि मैंने उससे कहा इस तरीके से कि हम जाके हम मर्डर कर दें। तो यहाँ मैं अबेटर हो गया, मैंने अबेटमेंट अपने पार्ट अपनी तरफ से कर दिया है, ठीक है। सेकंड बी आती है, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी। बी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टेब्स डी। अच्छा, ए ने इंस्टिगेट करा बी को कि मर्डर कर दे डी का। बी इन परसुएंस, बी ने क्या काम करा, डी के चाकू मार दिया। इंस्टिगेशन स्टेब्स मतलब चाकू से मार दिया। डी रिकवर्स द फ्रॉम द वुंड। ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू मर्डर, ठीक है, तो ए लाइबल होगा क्योंकि उसने इंस्टिगेट कराया बी को। एक्सप्लेनेशन थ्री कहते हैं, देखो कई बार ना इसमें पूछ लेते हैं कि 107 में कितनी एक्सप्लेनेशन है टोटल नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ 5 एक्सप्लेनेशन है इसमें, ठीक है। थ्री की हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल ऑफ बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर और एनी गिल्ट इंटेंशन और नॉलेज। मीन्स कि ये नेसेसरी नहीं है कि जिसको हमें कर रहे हैं, अबेट कर रहे हैं जो एक्ट करने के लिए, कि वो जो है उस नेचर को समझ पाए, कैपेबल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी, ज़रूर नहीं है। सपोज करो पागल, इनोसेंट है, छोटा है, 7 साल का बच्चा है, अब हम उसको कह रहे हैं, अब उसका कोई इंटेंशन कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अबेट हुआ ना हमारी बात से, हमने जो कहा वो कर रहा है ना वो एक्ट, ठीक है, हमने तो अबेटमेंट कर दिया। और सपोज करो वो एक्ट कर भी देता है, तो अबेटर तो हम हुए ना, वो तो मतलब क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ हुआ एक तरीके से उसका, मतलब कि हमने जनरल डिफेंसेस पढ़े थे कि जो सेक्शन 82 पढ़ा था हमने कि 7 ईयर तक का ये बच्चा कुछ भी करता है वो क्या है, नो ऑफेंस है, तो उसको तो डिफेंस मिल जाएगा 7 ईयर का। या उसके बाद कभी कोई अनसाउंड माइंड का होगा पर्सन, उसको भी डिफेंस मिल जाएगा। अनसाउंड माइंड लुनेटिक पर्सन जो होते हैं उनको भी डिफेंस मिल जाएगा। तो हम तो उनके माइंड में हम करा रहे हैं ना ये काम, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगा कि देखो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए विद अ गिल्टी इंटेंशन। एक क्या था, गिल्टी इंटेंशन था अबेट्स अ चाइल्ड और लुनेटिक, लुनेटिक टू कमिट एन एक्ट, ठीक है, किसी चाइल्ड को या किसी पागल को उसने अबेट करा किसी एक्ट करने के लिए, विच वुड बी एन, जो कि एक ऑफेंस है। याद रखो कि जो हम IPC में जो हमने कहा है ना, किसी पर्सन को अबेट करने के लिए एक्ट करने के लिए, अगर वो ऑफेंस है तो जब ही अबेटर लाइबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इस कोड में तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी उसको अबेटर को, कि ऐसे नहीं कि कोई एक्ट ऑफेंस ही नहीं है और हमने बोल दिया कि भाई इसने अबेट तो कराया ना, लेकिन IPC में कोई पनिशमेंट है उसके बारे में, नहीं है, ऑफेंस है नहीं है उसके बारे में ना, ये कोड उसके बारे में बताता था, उस एक्ट को जस्टिफाई करता कि हाँ ऐसा बेटर भी लाइबल होगा, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो इसलिए बता रखा है कि शुड बी कैप ये विच वुड बी एन ऑफेंस, वो ना ऑफेंस होना चाहिए जो एक्ट को हम कह रहे हैं अबेट करने के लिए। इफ़ कमिटेड बाई अ पर्सन कैपेबल ऑफ लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए हियर ए विद वेदर द एक्ट बी कमिटेड और नॉट इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग एन ऑफेंस। मतलब कि छोटा बच्चा, उसको हमने कहा कि भाई जाके ऐसे कर दें, ठीक है, उसने एक्ट करा है या नहीं करा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अबेटर, हमने अबेटमेंट कर दिए तो हम लाइबल हैं, ठीक है। उसका चाहे अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके पास समझने की इसने क्या कहा है, अगर सपोज कर देता है, ठीक है, तो फिर तो मामला पता ही चल जाएगा, इतना सीरियस हो जाएगा। और नहीं भी करता जब भी हम लाइबल, अगर कहीं से पता चलता है ना कि अगर प्रूफ हो जाते हैं कि हाँ हमने अबेटमेंट करी है तो हम लाइबल है। हालांकि पता है लुनेटिक वाले पर्सन में जो है ऐसा, मैंने सच कोई केस सुना नहीं है कि मतलब सुना है, ऐसा सुना है कि हाँ पागल है उसे प्रोवोक करा कि जाके मार दे, ऐसा ऐसे तो हैं केसेस, लेकिन ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे से कोई एक्ट करा रहा है, छोटे बच्चे का तो नहीं सुना मैंने, हाँ लेकिन लुनेटिक और अनसाउंड माइंड का सुना है बहुत, कोई इंटॉक्सिकेट पर्सन है, ठीक है, और उससे ऐसे अबेटमेंट के थ्रू काम करवा रहे हैं। सेकंड इसके है वो ये है 7 ईयर्स और एज अबेटमेंट। देखो आप ना इसका समरी पढ़ो एक तरीके से कि हाँ आप अबेटर, अब अबेटर आप कब कहलाओगे, मैंने बता दिया कि आप इंस्टिगेट कर रहे हो किसी पर्सन को, इंगेज हो रहे हो, दो या दो से लोग इंगेज हो रहे हो, या कोई इंटेंशनली एड करा रहे हो जो कि एक ऑफेंस है, ठीक है, IPC में आप उसकी पनिशमेंट है, तो आप अबेटर कहलाओगे। हालांकि वो एक्ट हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आप अबेटर ही कहलाओगे और अबेटर पनिशेबल है IPC में, ठीक है।
वो जो ऑफेंस करा है ना उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट मिलेगी आपको। ऐसे नहीं कि मर्डर के लिए करा मैंने अबेटमेंट किसी को और मुझे 2 साल की सज़ा मिल गई, नहीं। जैसे मर्डर की पनिशमेंट क्या है, डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी अबेटर भी। तो ऐसा माना जाएगा कि वो एक्ट मैंने ही करा है, तो सिंपल इतना ही है। अंडर 7 ईयर ऑफ एज वाली इलस्ट्रेशन हम जैसे सी पढ़ते हैं। सी से मैंने कहा ए इंस्टिगेट बी टू सेट फायर टू ए ड्वेलिंग हाउस, की जो ड्वेलिंग हाउस मीन्स होता है कि जहाँ लोग रहते हैं उस घर में, कि जाकर उसमें आग लगा दें। बी इन कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बी अनसाउंड था उस, ठीक है, उसने क्या काम करा, बींग इनकेपेबल, बी को कोई पता नहीं था, मतलब इतना धोता नशे में बोल सकते हैं, या इनकेपेबल था या अनसाउंड पागल था, कि मैंने बोल दिया उस घर उस जा उसमें आग लगा दें, ठीक है, या उस घर में लगा दें, हमने ऐसे बोल दिया, बोल दिया कि जहाँ इसे ले जाए उस घर उसमें आग लगा दें, ठीक है, मज़ा आएगा, जहाँ उसमें आग लगा दें। पागल था, लगाया, फेंकिया है, उसमें झोपड़ी वाला घर था उसमें रहे थे, उसमें आग लग गई, ठीक है। क्या हुआ, सेटिस्फाइड टू द हाउस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए ने इंस्टिगेट करा, उसने आग लगा दी। बी हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, बी ने कोई ऑफेंस नहीं करा, वो तो लुनेटिक एंड अनसाउंड है, वैसे भी डिफेंस मिल जाएगा उसको, जनरल डिफेंसिस, ठीक है। और अबेटर ने जो अबेट करा, जब भी वो एक्ट करा, जब भी उसको डिफेंस मिल जाएगा एक तरीके से। बट ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग ऑफेंस, लेकिन ए तो ऑफेंस के लिए ए ने गिल्टी ठहराया जाएगा क्योंकि उसने अबेट करा है उसको, एंड इज़ लाइबल टू पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। जो उसने ऑफेंस करा है ना बी ने, लुनेटिक या अनसाउंड पर्सन ने, उसके लिए वो लाइबल है ए, ना कि बी, क्योंकि बी तो लुनेटिक या अनसाउंड है, उसे कुछ वो नहीं है। जैसे ए हो गया, डी इलस्ट्रेशन देखते हैं। इंटेंडिंग ए इंटेंडिंग टू कॉज अ थेफ्ट टू बी कमिटेड, इंस्टिगेट बी टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड पोजिशन, ए इंस्टिगेट बी टू दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए, बी टेक प्रॉपर्टी आउट ऑफ जेड पोजिशन। अच्छा ये वही वाला है, जैसे सपोज करो मैं किसी से कहता हूँ कि वो मेरा घर है, उस तरीके से मैं उसको दिखाता हूँ, उसको ऐसे इंस्टिगेट करता हूँ, जाकर मेरे घर में से मेरा पर्स लिया, ठीक है। ये तो पता है बहुत मूवीज़ में दिखाया जाएगा आपको कि हाँ उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ उसकी, और वो जाके वो काम करता है, और बाद में वही फंस जाता है कि उसे लगता है कि मैं वो तो लॉफुल काम कर रहा है, ठीक है, आपने अक्सर मूवीज़ में ऐसे देखा होगा। तो मैंने किसी से बोला कि जाकर मेरे उसमें जाके, घर में जाके, मेरी प्रॉपर्टी में जाके ये चीज़ लिया, ठीक है, पर्स लिया, चोरी करवा ली मैंने उससे। अच्छा उसको लग रहा है कि हाँ ये तो घर इसका ही है, मैं तो लॉफुल काम कर रहा हूँ जो मेरे ऑर्डर सुपीरियर ने दिए, लेकिन वो अनलॉफुल काम कर रहा है, उसे कोई इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन ए की तो इंटेंशन ये था ना, वो तो अबेट कर रहा है इस चीज़ के लिए, थेफ्ट करवा रहा है उससे, चोरी करवा रहा है, तो ए लायबल होगा, बी नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो थेफ्ट में क्या होता है, डिसऑनेस्टली होता है, जो चोरी करने जाता है उसका डिसऑनेस्टली क्या, अच्छा मैं उससे कोई बोलेगा मेरे सर कि गौरव अच्छे वहाँ से आ रहे हो, मेरा घर पड़ा है, मेरा रूम पड़ा है, मेरे रूम में से वहीं लॉक की रखी है साइड में, उसे खोल के मेरे में से रूम में से ये ले आना। अब मुझे क्या, मैं तो भाई अपने सर का फॉलो करूँगा ऑर्डर, अगर अच्छा ये बोला सर ने, लॉक खोला, ले आया चीज़, अब बाद में पता चली वो तो मैंने चोरी कर ली, तो वो चीज़ के लिए मैं लायबल नहीं हूँ, जो मेरे अबेटर हैं जिसने मुझे काम कराया वो लायबल है। एक्सप्लेनेशन 4 कहता है द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, तो अबेटमेंट है ही, लेकिन द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट, अबेटमेंट के लिए भी जो अबेटमेंट कर रहा है ना वो भी एक ऑफेंस ही है। इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए इंस्टिगेट बी, ए ने इंस्टिगेट करा बी को, बी ने इंस्टिगेट करा सी को कि मर्डर करना है जेड का, बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड एंड सी ऑफ, देखो मैं बताऊँ एक आप यह इस सीरीज ऑफ एक्ट भी बोल सकते हो, वो भी अबेटमेंट है। जैसे मैंने कहा ऐसे कि तू ना बी से कहा है वो सी को मार देगा, ठीक है, सॉरी ए मैंने ए ए ने मैंने बी से कहा कि तू सी से कहा है वो डी को मार देगा, तो मैंने क्या करा, बी को इंस्टिगेट करा, बी ने सी को इंस्टिगेट करा, सी ने डी को इंस्टिगेट करा, या फिर सी ने डी को मार दिया, तो इसमें सारे हम अबेटमेंट, ए हो गया बेटर, मैं हो गया, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री, ठीक है, आई थिंक ये प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड डिग्री, लेकिन स्टार्ट किसने करा था, मैं फर्स्ट हो गया ना, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री, तो मैंने क्या करा, इंस्टिगेट करा बी को, बी ने इंस्टिगेट करा सी को, तो बी भी अवेटर हुआ ना एक तरीके से, क्योंकि बी को अगर उसको नॉलेज है सफिशेंट, हालांकि मर्डर के लिए बोल रहा हूँ तो वो तो नॉलेज ही हो गई से, तो बी भी अवेटर हो जाएगा, ए भी अवेटर हो जाएगा, मैं फर्स्ट डिग्री, वो सेकेंड डिग्री, और सी क्या करता है डी को मार देता है, ठीक है। हालांकि ये भी चीज़ देखा जाएगा ना, सी क्या लुनेटिक पर्सन, अनसाउंड माइंड है, या फिर वो बाउंड बाई लॉ है, सपोज अगर मैं सुपीरियर होता और मैं पुलिस कमिश्नर हूँ, मैं बोलता हूँ कि जाकर एनकाउंटर करते और मैं कोई इलीगल एनकाउंटर करा रहा हूँ, ठीक है, तो वो देखा जाता है इसमें, और अदरवाइज़ हम तीनों जो हैं वो लायबल होंगे।
एक्सप्लेनेशन फाइव होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट, इट इज सफिशियंट इफ ही इंगेजेस इन द कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस ऑफ दिस ऑफेंसेज कमिटेड। तो कोई ये नेसेसरी नहीं करता कि जो अबेटमेंट आपने करी है आप कॉन्स्पिरेसी करी है नहीं करी है, दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। ठीक है, इट इज़ सफिशियंट इफ ही इंगेजेज इन द कॉन्स्पिरेसी, अगर वो कॉन्स्पिरेसी में आ भी जाते हैं ना और फिर वो ऑफेंस कर रहे हैं तो वो लायबल होंगे, वो अबेटर कहलाएंगे। अब 108 देखते हैं, ये हमारा 1898 में अमेंडमेंट में आया था। ठीक है, 1898 में इसको ऐड करा गया 108A को। ठीक है, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड हु इन अबेट्स द कमीशन ऑफ एन एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इज कमिटेड इंडिया। ठीक है, मतलब कि जो अगर कर रहा है ना अबेटमेंट, देखो बाहर से भी हो सकती है आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है, लेकिन वो कमिट क्या कर रहा है इंडिया में कर रहा है तो वो अबेटमेंट आ जाएगा। जैसे कि इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए इन इंडिया, इंडिया में रहकर ए ने क्या करा, बी को इंस्टिगेट करा, जो कि बी एक फॉरनर था, कौन था फॉरनर, इंडियन सिटीजन नहीं था, गोवा में था। ठीक है, टू कमिट अ मर्डर इन को, कि गोवा में मैं किसी फॉरनर से कहता हूँ कि भाई उसका मर्डर करते हैं, इस तरह से मैं उसको इंस्टिगेट करता हूँ तो मैं तो मर्डर के लिए लायबल हूँगा ना, कि मैंने उसको क्या करा इंस्टिगेट करा, भले ही वो क्या है फॉरनर पर्सन है, फॉरेन पर्सन फॉरनर है। ओके, 109 कहता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट, आज मैं थोड़ा प्रिटेंड कर, प्रिटेंड नहीं मतलब थोड़ी हेल्थ भी थोड़ी इशू है तो मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि प्रॉपर आवाज़ आपको आ रही है नहीं आ रही, बट हाँ इतना तो है कि आप सुन सकते हो। 109 कहता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ़ द एक्ट अबेट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसिस एंड वे नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड ऑफ इट्स पनिशमेंट। देखो पनिशमेंट बता रखा है अबेटमेंट की, कि जो एक्ट हुआ है अबेटेड वाला जो एक्ट हुआ है ना, और उसके अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दे रखा है इसकी पनिशमेंट को तो क्या होगा, जो एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दे रखा है तो जो ऑफेंस करा वो पनिशमेंट होगी ना उसको। हुएवर अबेट्स एनी ऑफेंस शैल इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द अबेटमेंट एंड नो एक्स, सपोज करो मैंने किसी को कहा कि अबेटमेंट करा कि जाके वो कर दे जो भी मैंने ऑफेंस किया करने के लिए, हालांकि उसका एक्सप्रेस प्रोविज़न IPC में नहीं है, लेकिन जो मैंने ऑफेंस करा ना उसकी पनिशमेंट मुझे मिल जाएगी। बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, अबेटमेंट की सपोज करो ऑफेंस अबेटमेंट के सॉरी अबेटमेंट का कोई पनिशमेंट नहीं दे रखा है, मतलब कि जो मैंने ऑफेंस करा ना उसके IPC में पनिशमेंट नहीं है कि आप अबेटमेंट करते हो अबेट करते हो इस चीज़ के लिए तो आपकी पनिशमेंट नहीं है, लेकिन जो ऑफेंस उस क्राइम जो उस ऑफेंस करा है ना उसकी पनिशमेंट सपोज करो 5 साल है तो उसकी भी पनिशमेंट 5 साल मानी जाएगी। हालांकि अलग अलग, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, कन्फ्यूज़ नहीं थोड़ा क्या बोलते हो उसको, लड़खड़ा गया, लड़खड़ा गया। देखो IPC में किसी अबेटमेंट की अगर पनिशमेंट नहीं दे रखी है, ठीक है, एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है तो जो ऑफेंस किया है ना उसकी पनिशमेंट मानी जाएगी, सिंपल। ठीक है, जैसे मैंने कोई ऑफेंस करने के लिए बोला कि जाके ऑफेंस कर लो और IPC में उसका अबेटमेंट की कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन जो ऑफेंस कमिट हुआ है ना उसकी पनिशमेंट है तो वो लायबल होगी, वो पनिशमेंट इम्प्लीमेंट होगी। एक्सप्लेनेशन कहता है एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अबेटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन और प्रेजेंस ऑफ द कॉन्स। इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी, देखो इलस्ट्रेशन बेसिस में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें देखो आपने देखो वो कितनी इलस्ट्रेशन है, सेक्शन 109 में 3 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, ठीक है, सेक्शन 108A में दे रखे हैं, एक दे रखे हैं, ठीक है, ऊपर वाली में देखो कितनी इलस्ट्रेशन हैं, ABCD 4 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें इलस्ट्रेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, काफ़ी बार क्या होता है डायरेक्टली इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये अबेटमेंट है या नहीं है, ये लायबल होगा या नहीं होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है अबेटमेंट सेक्शन अबेटमेंट चैप्टर से। ठीक है, तो ए ने क्या करा, बी को ऑफर करा ब्राइब के लिए, मतलब घूस के लिए, ठीक है, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट था अपना काम करने के लिए, ठीक है, उसके फेवर में काम करने के लिए घूस तो तभी देते हैं। बी एक्सेप्ट, बी ने एक्सेप्ट कर ली तो ए जो है ना मैं अबेटमेंट के लिए लायबल हूँगा कि हाँ मैंने उसे घूस के लिए ऑफेंस करने के लिए मैंने ऑफेंस करा ना, सेक्शन 161 में जो ऑफेंस है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट कोई करता है इस तरीके से तो मैंने अबेटमेंट ही करी है क्योंकि मैंने उसको इंस्टिगेट करा है। सेम एज कि ए इंस्टिगेट करता है बी को कि फॉल्स एविडेंस दो, ठीक है, बी इन कॉन्सिक्वेंस वो उस इंस्टिगेशन में आ जाता है, कमिट्स कर लेता ऑफेंस तो मैं क्या अबेटिंग करा है मैंने, अबेटमेंट के लिए मैं लायबल हूँ ए जो है, ठीक है, और जो उसमें पनिशमेंट होगी ना इसके लिए उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ, दैट्स इट।
सी कहता है ए एंड बी कंस्पायर टू पॉइजन जेड, ए इन परसेंस ऑफ द कॉन्स्परेसी प्रोक्योर्स द पॉइजन एंड डिलीवर टू बी इन ऑर्डर दैट ही मे एडमिशन टू जेड, बी इन परसेंस ऑफ द कॉन्स्परेसी एडमिट द पॉइजन टू जेड, ए इज एब्सेंस एंड देयर बाय कॉज डेथ, हेयर बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ इज इज गिल्टी ऑफ बैटिंग दैट सच, हाँ क्योंकि ए तो बैट कर रहा है ना उस चीज़ के लिए, तो मैं क्या है ए जो है वो उस ऑफेंस का लिए लाइबल होगा, गिल्टी होगा ना, और पनिशमेंट भी मिलेगी जो अगर जो ऑफेंस में मर्डर के लिए पनिशमेंट मर्डर के लिए रखा है ना, पॉइजन दिया उसने तो ऑलरेडी पनिशमेंट मुझे मिलेगी। सेक्शन 110 कहता है पनिशमेंट ऑफ अबेटिंग अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद अ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर, देखो पनिशमेंट बताई गई है कि जो पर्सन अबेट हुआ है ठीक है, जिस पर्सन ने अबेट करा है उसने सपोज करा कहा है चोरी करने के लिए और उसने कोई दूसरे इंटेंशन से गया और उसने वो कर दिया, देखो हुएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ठीक है शैल इफ द पर्सन अबेटेड, जो अबेटेड हुआ है सपोज करो मैंने किसी को अबेट कराया ना तो वो अबेटेड हो गया, मैं अबेटर हो गया, आई एम द अबेटर, जो इंस्टिगेट कर रहा है वो अबेटर हो गया और जो हुआ है उसको बोलते हैं अबेटेड पर्सन, वो एक्ट कर देता है लेकिन वो डिफरेंट इंटेंशन और डिफरेंट नॉलेज के साथ करता है वो एक्ट ठीक है, जो अबेटर के डिफरेंट इंटेंशन है अबेटर का अलग है लेकिन उसका इंटेंशन अलग है, बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, लेकिन वो भी पनिशमेंट के लिए लाइबल है जो उस ऑफेंस कर रहा है उसने ठीक है, विच वुड हैव बीन कमिटेड इफ द एक्ट हैड बीन डन विद द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द अबेटर एंड विद नो द, ठीक है कि भले उसकी नॉलेज हो या ना हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने अबेट कराया तो आप तो लाइबल हो, उसका इंटेंशन भले ही अलग हो ठीक है, जिसने वो एक्ट करा है अबेट करा है, अबेटेड पर्सन ने कोई एक्ट करा है वो डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज से करा है ठीक है, वही सेम हो गया ना डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज से, कि जो मैंने किसी चाइल्ड या किसी को बोला कि मेरा जाके पर्स चुरा ले तो उसने एक्ट करा है लेकिन उसका डिफरेंट इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन तो ये है उसने तो करा है कि हाँ मेरे मालिक का सामान है मैं लिया है, उसका इंटेंशन अलग है सेम अलग नहीं है ना ही उसने इस तरीके से कहा उसको, तो एक्ट तो हुआ है ना, तो यहाँ पर मैं अबेटर ही लायबल हूँ और जो पनिशमेंट है ना उसके लिए मैं लायबल हूँ। सेक्शन 11 कहता है 111 लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट, देखो यहाँ इसकी अबेटर की ना जिम्मेदारी आ गई है कि अबेटर की जिम्मेदारियाँ भी रहता है, कहते हैं भाई मैंने तो मर्डर के लिए कहा था ये तो क्या हुआ, ये तो ग्रीवस हट करके लाया, मैं तो नहीं कहूँगा इसके लिए, मैं तो मर्डर के लिए कहा था ये तो ग्रीवस हट कर आया, मैं क्यों लाइबल होऊंगा इस चीज़ के लिए, मैंने तो इस चीज़ के लिए कहा ही नहीं, तो देखो ये लाइबल होगा अबेटर, अबेटर के लिए हाँ रिस्पॉन्सिबल अबेटर को ठहराया जाएगा। व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन द अबेटर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट, अबेटर इज लाइबल ऑब्वियस, कि मैंने अगर सपोज करो उसे मर्डर के लिए बोला वो ग्रीवस एक्ट कराया, मैं ये थोड़ी कहूँगा नहीं मैं तो ग्रीवस एक्ट के लिए बोला ही नहीं था मैं क्यों लाइबल हूँगा, मैं तो अबेटर के लिए बोला मर्डर के लिए बोला, अब सिंपल सी बात है मर्डर तो एक बहुत बड़ा वो हो गया ना, अब मर्डर कर रहा हूँ तो उसमें मेरा तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है ना कि अगर मरेगा नहीं तो कम से कम ग्रीवस एक्ट तो पहुँचा ही देगा उसे, इतना जख्मी तो कर ही देगा, एक बार को बच भी गया तो मैं तो लाइबल हूँ ना उसके लिए, तो ये चीज़ बता रखा है इसने, प्रोवाइजो में देख रखा है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है, प्रोवाइडेड दैट एक्ट डन वॉज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस देखा जाएगा कि हाँ अबेटर की कि अबेटर ने जो अबेटमेंट करी है अबेटेड जो पर्सन हुआ है कि वो जो एक्ट करेगा उसको पता है ना कि वो क्या एक्ट करेगा, अगर ये नहीं करेगा तो ये तो सिमिलर करेगा, सपोज करो मैं किसी से बोलता हूँ कि जाकर ना कोई यंग इस तरीके से पर्सन है और मैं उससे बोलता हूँ कि चार पाँच पर्सन है, मैंने बोला है कि जाके भाई वहाँ उस घर में जाके चोरी कर लो, मुझे पता है कि वो क्या है वहाँ पर एक लड़की है ठीक है यंग लड़की है, कि मुझे इस इंटेंस से मुझे पता है कि हाँ ये थोड़ा ड्रंक भी हैं पर्सन, कि वो जाएंगे चोरी करने की जगह और उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट वगैरह या रेप वगैरह कर लेंगे ठीक है, तो मेरे को ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है ना, मुझे इस चीज़ की नॉलेज थी ना तो मैंने इस चीज़ के लिए कराया बट, तो मैं उसके लिए लाइबल हूँगा, जो पनिशमेंट जो अगर रेप करते हैं ना वो तो मैं भी उसके लिए लाइबल हूँगा। देखो इलस्ट्रेशन बताया ए इंस्टिगेट अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इन टू द फूड ऑफ जेड एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पस, ए ने इंस्टिगेट करा एक चाइल्ड को एक बच्चे को कि ये बेटा ये जहर लो और जेड के खाने में वो अंकल बैठे ना वाले मोटे से जो काले से जो हुडी लगा रखे उन्होंने जो दिख रहे हैं अलग से, उनके खाने में ना उनके ड्रिंक में ये डाल दो, ये ना पोलियो की ड्रॉप है ये डाल दो उसमें अच्छे हैं एंड गिव्स हिम पॉइजन उस पर्पस से दिया मैंने तो मारने के लिए, द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द इंस्टिगेशन बाई मिस्टेक पुट द पॉइजन टू द फूड ऑफ बाई, अब वो गया अंकल के पास अंकल ने क्या काम करा अच्छे बेटे ये लो टॉफ़ी लो, तो वो खुश हो गए लेकिन उसके माइंड में था कि पोलियो भी पिलानी अंकल को बतानी ही नहीं है, वो
एक की जगह दूसरे गिलास में डाल देता है। अब वो क्या हुआ, भाई ने पी लिया, विच इज़ बाय द साइड ऑफ दैट ऑफ जेड, ठीक है, साइड में बैठा था, दो अंकल बैठे हुए थे, तो जेड को छोड़ के वाइम की में डाल दिया। हेयर इफ द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एज, लेकिन चाइल्ड ने जो एक्ट करा वो एक इंस्टिगेशन से कराया ना, इन्हें इंस्टिगेट कराया उसको, उस इंस्टिगेशन से कराया, लेकिन एक्ट जो दूसरा कर दिया, जो कि हमारा सेक्शन 111 कहता है, ठीक है। एंड द एक्ट डन वॉज अंडर द सर्कमस्टांसिस अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट इज लेबल टू द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट इफ ही हैड इंस्टिगेटेड द चाइल्ड टू पुट द पॉइजन इन द फूड ऑफ वाई, मीन्स कि ए लाइबल होगा। क्यों होगा लाइबल, उसको पता है ना यार, दो अंकल बैठे हैं, छोटा बच्चा है, इसमें डालेगा, उसमें डालेगा, किसी में डाल देगा तो कोई ना कोई तो मरेगा। मेरे को तो एक को तो नॉलेज होगी ना इस चीज़ की, कि जेड के में डालेगा, दो गिलास रखे हैं वहाँ, इसमें डाल के वो इसमें डाल दे, राइट समझे कि राइट, मैं बोलूँगा बेटा राइट वाला गिलास ना उसमें डाल देना, वो राइट इस तरफ से समझ रहा हो या अंकल का राइट या किसी तरह से राइट समझ रहा हो, उसमें डाल देगा वो, तो मुझे तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है ना कि अगर वो उसमें डाल देता कोई ना कोई तो मरेगा, तो मैं लाइबल हूँ उस चीज़ के लिए, मतलब मैं नहीं ए जो है वो लाइबल है। बी इलस्ट्रेशन देखते हैं इसकी। ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस, ए ने इंस्टिगेट करा बी को कि जेड का घर जला दो, बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। मैं घर जलाने के लिए कहता हूँ बी से, बी घर जला देता है और सेम टाइम पे वो प्रॉपर्टी चोरी कर लेता है, उसके घर से चोरी कर लेता है। ए थो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग, लेकिन मेरे यहाँ कोई प्रॉबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, मैं कह रहा हूँ भाई ये आग ले, वो हट रखी है, हट है ना, वो घर है, उसके घर में आग लगा दे, फेंक के चला जा। अब वो क्या हुआ, आग फेंक रहा है उसे, वो कह रहा है जल तो सब राख ही जाएगा, मैं जाके चोरी कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। तो यहाँ मैं लायबल नहीं हूँ यार, कोई प्रॉबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है ना, मैं तो कहा चलते चलते तो फेंक दी आग उसमें, तो यहाँ कोई प्रॉबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो मैं जो हूँ ना सिर्फ मैं उसके लिए लायबल हूँगा, उसका घर जलाया मैंने, ठीक है, मैं चोरी के लिए लायबल नहीं हूँगा, तो ये बताया इसमें। कहाँ गया, इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट फॉर दैट थेफ्ट वॉज अ डिस्टिंक्ट एक्ट एंड नॉट अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट बर्निंग। देखो यहाँ बता देने, ऊपर वाले में बता दें कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, और इसमें बताया कि ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, तो डिफरेंट एक्ट हो रहा है ना, उसमें देखा जाएगा कि अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं तो आप लायबल हो, अदरवाइज नहीं लायबल हो। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लो कि अगर कोई एक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्ट करा, सॉरी अबेटर ने अबेट करा किसी को कि वो एक्ट करने के लिए, अबेटेड पर्सन जो है उसने वो एक्ट ना करके या वो एक्ट करा या दूसरा एक्ट भी कर दिया, ठीक है, तो मैं सिर्फ उसी लायबल हूँ अगर वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, दूसरे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी हो सकता है। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये है कि ये करने जा रहा हूँ तो मैं ये भी कर सकता है, ठीक है, इस इंटेंशन से अगर अबेटर कर रहा है तो वो लायबल है, अदरवाइज नहीं है, दूर दूर के अलग अलग हैं कि भाई वो तो वहाँ उसका अलग इंटेंशन आ गया कि भाई चोरी भी कर लेता हूँ क्या दिक्कत है। तो मैंने बोला कि जाके बी का घर जला दें। अभी भी वो जा रहा है, अब वो क्या काम करता है, जला के जैसे फेंकते हैं, फेंक रहे होते हैं, कहते हैं फेंक तो गए सब, जल तो वैसे जाएंगे, मैं जाके काम करता हूँ, चोरी वोरी कर लेता हूँ और सारा सामान ले लेता हूँ या कुछ और एक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ उसका इंटेंशन अलग हुआ ना वहाँ, लेकिन अबेटर का तो इंटेंशन नहीं था कि वो जाके चोरी भी करे, ठीक है, तो यहाँ उसके लिए प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है ना, यहाँ तो उसने खुद ही अपना खुद ही एक्ट करा है, ठीक है, तो वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं आएगा। अगर हाँ वो बोलता कि तुम तो उसके घर में जाना, ठीक है, चोरी करना और मैं गन दे देता हूँ और ये पेट्रोल पम्प भी ले जाना और फेंके तो आग लगा देना, तो यहाँ सिमिलर एक्ट कराना उसने कि मुझे पता थी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस, मैं जब पेट्रोल पम्प दे रहा हूँ उसे कि चोरी करने जा रहा है, चोरी करने के बाद अगर उसको कुछ ऐसे लगेगा तो फेंक देगा या किसी वजह से आग लग सकती है किचन में या कोई लाइटनिंग या शॉर्ट सर्किट की वजह से पेट्रोल पम्प उस पर गिरेगा, तो प्रॉबेबल कॉन्सिक्वेंसेज है ना यहाँ, तो यहाँ मैं उस चीज़ के लिए लायबल हो जाऊँगा, अदरवाइज नहीं होने का। सी वही है, रॉबरी के लिए पर्पज जाता है। ए इंस्टिगेट बी एंड सी टू ब्रेक इन टू एन इनहेबिटेड हाउस एट मिडनाइट, रात को मैं बोलता हूँ कि बी और सी को जो उसके घर में जाओ, उसके घर में तोड़ के उसके घर में रात में जाओ और लूट करके आओ, रॉबरी करके आओ, एंड प्रोवाइड देम विद, मैं देता हूँ ले AK-47, उसको देता हूँ ले तमंचा, ठीक है, जाओ उसके घर में तोड़ के चले जाओ। बी एंड सी जाते हैं उसके घर को तोड़ते हैं एंड बीइंग रजिस्टेड बाई जेड, लेकिन घर वाला जेड जो होता है वो बाउंसर होता है, वो होता है धक्का मुक्की देता है, ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन उसमें से जो एक है ना बी और सी में से, उसमें क्या करता है, एक जना जेड को मार देता है। हेयर इफ दैट मर्डर वॉज द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट इज लायबल, क्योंकि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उस मर्डर में, ठीक है, उस एक्ट में,
तो ये लायबल होगा, क्योंकि यार मेरा इंटेंशन मतलब है, मैं गन क्यों दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हम, मुझे पता है कि कोई 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 तो रेजिस्ट करेगा, अगर तुम किसी घर में जा रहे हो, कोई जग जाए रेजिस्ट करेगा, तो आप इसका यूज़ कर लेना अपनी सेफ्टी के लिए, करना भले ही तो, लेकिन मुझे पता है ना, अगर सेफ्टी के लिए दे रहा हूँ, अगर वो चला देता है मर जाएगा सामने वाला, तो मेरे को इस चीज़ की नॉलेज है, तो अबेटर लायबल होगा उस चीज़ के लिए। सेम, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आई थिंक 112 है, ठीक है, सेक्शन नंबर 112। अबेटर वेन लाइबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एन एक्ट डन, इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल अंडर द लास्ट प्रिसीडिंग सेक्शन, जो बता रखा है कि उसमें अगर अबेटर लाइबल है, इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, द अबेटर इज लाइबल। सिंपल सी बात है, वो एक्ट नहीं कराया, उसने एडिशन में कुछ और हो जाता है जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है, ठीक है, वो उसके लिए लाइबल होगा, ये बता रखा है सेक्शन में। जैसे ए इंस्टिगेट बी टू रेजिस्ट बाय फोर्स और डिस्टेंस मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, ए बी को इंस्टिगेट करता है, पब्लिक सर्वेंट आएगा ना, तो अपने आप को रेजिस्ट करियो, और मुझे पता है कि भाई वो इस तरीके से रेजिस्ट करेगा, वो भी थोड़ा इस नेचर का है, और कुछ ना कुछ ग्रीवस हर तो किसी ना किसी को पहुँचेगी। बी इन कॉन्सिक्वेंसिस रेजिस्ट द डिस्ट्रेस करता है, इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस बी वॉलेंट्री कॉजेज, जानबूझ कर मारता है, लेकिन बी ग्रीवस हर्ट टू द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस। अच्छा, एज बी हैज़ कमिटेड बोथ द ऑफेंस ऑफ रेजिस्टिंग द स्ट्रेस, ठीक है, बी ने करा है, एंड ऑफेंस ऑफ कॉजिंग वॉलेंटरी ग्रीवियस हर्ट, ये भी करता है, बी इज़ लाइबल टू पनिशमेंट फॉर बोथ दिस ऑफेंसेज, बी तो दोनों के लिए लाइबल होगा, ओके, एंड इफ़ ए न्यू दैट बी वॉज लाइकली वॉलेंटरी, लेकिन अगर बी को पता है कि ये जो ए को, सॉरी ए को पता है कि बी जा रहा है ना उसको रजिस्ट करने के लिए, और लेकिन भाई ये जरूर हाथापाई तो करेगा ही, ग्रीवियस हर्ट तो पहुँचा गई, अगर उसको पता है, ठीक है, तो ए भी लायबल होगा सेम पनिशमेंट के लिए, ए विल आल्सो भी लायबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेज, अगर दोनों ऑफेंस करे हैं तो, ग्रीवियस हर्ट चाहे भले ही बी ने वॉलेंट्री करी है, लेकिन ए को भी पता है कि भाई ये कर सकता है ये काम को, ठीक है, ये ग्रीवियस हर्ट भी पहुंचा देगा, तो ए लायबल होगा उस पनिशमेंट, उस ऑफेंस के लिए भी। सेक्शन नंबर 113 लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एक्ट फॉर एन एक्ट कॉज बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर, वेयर एन एक्ट इज अबेटेड बाय द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अबेटर ऑफ कॉजिंग अ पर्टिकुलर इफेक्ट एंड एन इफेक्ट एंड एन एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबेटमेंट। अच्छा, कॉजेज अ डिफरेंट इफेक्ट फ्रॉम द इंटेंडेड बाय द अबेटर, द अबेटर इज लायबल फॉर द इफेक्ट कॉज इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट इफ ही हैड अबेटेड द एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द इफेक्ट प्रोवाइडेड ही न्यू दैट द एक्ट अबेटेड वॉज लाइकली टू कॉज द इफेक्ट। पर बता रखा है कि अगर उसको पता चलता है कि हाँ ये जो एक्ट करा है कि इसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ये है, ये क्यूमुलेटिव पनिशमेंट है, ठीक है, एक तरीके जो 112 में क्यूमुलेटिव पनिशमेंट है, कि उसको पता है ना कि ये नहीं तो ये तो करेगा ही करेगा इस एक्ट को, सपोज करो मैं किसी से बोलता हूँ कि भाई चोरी करके, मुझे पता है कि चोरी करेगा नहीं करेगा, लेकिन सामने कोई आएगा ना, लेकिन मार के ज़रूर आएगा, मुझे ये चीज़ पता है, भले ही चाहे वो चोरी ना करके आए, चोरी करने जा रहा है, चोरी नहीं कर रहा, लेकिन मार के आ रहा है, तो मेरे को इसकी पता है ना उस चीज़ की, क्या ये भी कर सकता है, ये ही करेगा, अगर वो नहीं मिला तो उसके पास, तो मैं उस पनिशमेंट के लिए लायबल होऊंगा ना, लेकिन जो मैंने इंस्टिगेट जिस पर्सन जिस एक्ट के लिए करा है वो नहीं करा है उसने बिल्कुल भी, डिफरेंट एक्ट करा है, लेकिन मुझे तो पता है ना उस चीज़ के लिए कि ये वही करेगा, ये नहीं करेगा तो वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए ने इंस्टिगेट करा बी को कि ग्रीवस हर्ट पहुँचा दो जेड को, ठीक है, बी इस इंस्टिगेशन में उस कॉन्सिक्वेंसिस में क्या करता है, जेड को ग्रीवस हर्ट कर देता है, और उस ग्रीवस हर्ट में जेड की मौत हो जाती है। ए न्यू दैट द ग्रीवस हर्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज जेड, अगर ए को पता है कि हाँ ग्रीवस हर्ट उसको ग्रीवस कर, सपोज करो कोई नाजुक बंदा है और मैं उसे बोलता हूँ बी को जाके उसे मार के, ऐसे मारे सर में मारियो, ठीक है, नाजुक बंदा है वो उस ग्रीवस हर्ट से मर गया, तो मुझे तो पता ना कि वो उस ग्रीवस हर्ट को नहीं सह पाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है, तो मैं वहाँ लायबल हूँ उस चीज़ के लिए, तो ये बताता है इज लायबल टू पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर, तो मेरे तो यहाँ सिंपल सी बात है, डायरेक्टली मर्डर ही हो गया ना एक तरीके से, तो मैं मर्डर के लिए लायबल हो गया हूँ, ए जो है ए पर्सन में, ए मतलब अपने ऊपर मेरे को ही कह लो चलो, ठीक है। सेक्शन 114 कहता है अबेटर प्रेजेंट वेन ऑफेंस इज कमिटेड, अब इसमें बताया कि जो अबेटर है, जो अबेट कर रहा है उसको, अगर वो ऑफेंस के टाइम पर पनिशमेंट है तो ऑफेंस के टाइम पर, ऑफेंस जब कमिट करा है उस टाइम पर वो प्रेजेंट है तो पता है उसकी पनिशमेंट की, बताया है वही पनिशमेंट पनिशेबल है, ठीक है। वेन एवर एनी पर्सन हु इज़ एबसेंट वुड बी लाइबल टू बी पनिश एज अबेटर, अगर वो नहीं है एबसेंट तो अबेटर की तरह लाइबल होगा। इज प्रेजेंट वेन द एक्ट और ऑफेंस विच ही वुड बी पनिशमेंट कमिटी शैल बी हैव टू बी कमिटेड फॉर सेंस, सिंपल सी बात है यार, वही इसमें कहन मैंशन करने की तो ज़रूरत नहीं थी, वैसे मैंने किसी को मर्डर करने के लिए कहा तो मैं अबेटमेंट
अबेटमेंट तो कर दी, मैं बेटर हो गया, ठीक है, भले ही मैं वहाँ मौजूद हूँ या नहीं हूँ, अगर मैं मौजूद हूँ तो मैं, अगर मर्डर कर दिया उसने तो मैं ही मर्डर ले लाया वो, ठीक है। सेक्शन 115 कहता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस पनिशमेंट विद पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। देखो मैंने किसी से कहा कि भाई उसको मार दें, ठीक है, इफ़ द ऑफेंस नॉट कमिटेड, लेकिन उसने मारा नहीं, लेकिन मैंने उसके माइंड में डाल दिया कि उसको मार दे, मतलब कि मर्डर के लिए। मर्डर के लिए क्या पनिशमेंट है? डेथ या इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। हुएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सेल इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द अबेटमेंट एंड नो एक्सप्रेशन प्रोविजन इन, अगर इस कोर्ट में कोई एक्सप्रेस विक्स की गोली लो, खिस खिस दूर करो, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाई, कोई एक्सप्रेस प्रोविजन भी नहीं दे रखे हैं इस कोर्ट में, ठीक है, फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट, जो मैंने अबेटमेंट करी है उस पनिशमेंट के लिए कोई प्रोविजन दे नहीं रखे हैं। बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड सेल आल्सो लाइबल टू फाइन। देखो मैंने कोई किसी को अबेट करा जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और लेकिन उसका एक्सप्रेस प्रोविजन आईपीसी में नहीं है, तो उस डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के क्या है मुझे पनिशमेंट? अगर नहीं भी होती है ना, कमिट नहीं करता वो एक्ट को, जब भी पनिशमेंट मुझे बता रखा है कि कम बीच में 7 साल तक की पनिशमेंट हो जाएगी आपको, और फाइन भी लग सकता है, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। मतलब सेक्शन 115 कहता है कि एक डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए आप किसी को अबेट कर रहे हो, और वो एक्ट भले ही ना हुआ हो और आईपीसी में उसका कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है, लेकिन उसकी पनिशमेंट क्या है? डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उस अबेटमेंट के लिए मेरे को कम से कम 7 साल तक की सज़ा हो जाएगी और जुर्माना भी दिया जाएगा, ठीक है। इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंसिस एंड इफ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल इन कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द अबेटमेंट एंड विच कॉजेज हर्ट टू एनी, सपोज करो जो मैंने अबेट करा है और उसमें किसी को हर्ट भी कर देता है, इस जन द अबेटर शैल बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट विद डिस्क्रिप्शन विच 14 साल तक की सजा भी हो सकती है उसमें, और फाइन के लिए भी लाइबल है। इसमें बताया नहीं कि क्या हार्म पहुँचा है उसमें, ठीक है, इस चीज़ के बारे में नहीं बताया। 116 देखते हैं, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। देखो उस ऑफेंस के लिए अबेट कराया जा रहा है जिसकी इम्प्रिजनमेंट कारावासी सजा है। इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस नहीं भी करते हो और अगर आप वो अबेट भी कर रहे हो तो क्या है उसकी कार पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट की बता रखी है सिर्फ इसमें पनिशमेंट। हु एवर अबेट्स, कोई भी अगर अबेट करता है पनिशमेंट किसी को देता है पनिश, वो सॉरी हु एवर अबेट, जो अबेट कर रहा है ना वो पनिशमेबल है, इम्प्रिजनमेंट उसको मिलेगी इफ़ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, अगर लेकिन उस अबेटमेंट से अगर वो एक्ट नहीं होता है जब भी, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन इसमें आईपीसी में कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दे रखा है उस अबेटमेंट के लिए, लेकिन बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, उसको जो इम्प्रिजनमेंट होगा ना वो मिल जाएगी किसी बता रखा है विच में एक्सटेंड 1/4, मतलब कि सपोज करो किसी के लिए 1 साल की सज़ा है 12 महीने की, तो 1/4 क्या हुआ, 3 महीने की उसको सज़ा मिल जाएगी, पार्ट ऑफ फॉर ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, ठीक है, उस ऑफेंस की 1/4 पार्ट जो है वो लॉन्गेस्ट टर्म है ना वो उसकी पनिशमेंट मिल जाएगी, और विद सच फाइन और, ठीक है, फाइन और या दोनों भी हो सकते हैं। इफ अबेटर और इफ अबेटर और पर्सन अबेटेड बाई पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट ऑफेंस, अगर वो पब्लिक सर्वेंट करता है, ठीक है, अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट, अगर वो किसी पब्लिक सर्वेंट को अबेट करते हैं तो जो कि कोई ऑफेंस को रोक सकता है करने के लिए, ठीक है, एंड इफ द अबेटर ऑफ द पर्सन अबेटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, जो अबेटर हो या फिर जो अबेटेड हुआ है जिसको हमने करा है वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, हुज ड्यूटी इट इज़ टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि उस ऑफेंस को बचाए, लेकिन द अबेटर शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, इसमें क्या 1/2 हो जाएगी उसकी लॉन्गेस्ट टर्म जो उसने ऑफेंस करा ना उसकी पनिशमेंट, और फाइन भी हो जाएगा और दोनों हो जाएगा। इलस्ट्रेशन देख के समझते हैं हमको कि ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी, ब्राइब वाला पहले भी आया ना, आया पढ़ा तो हमने, हाँ 109 में भी पहली इलस्ट्रेशन जो ब्राइब के ऊपर है। ए ऑफर्स टू, ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी, ठीक है, ए पब्लिक सर्वेंट था उसको ऑफर करा, घूस दिया, ब्राइब दिया कि उसका फेवर में वो काम करे, बी रिफ्यूज़ कर देता है उसकी ब्राइब को, लेकिन ए इज़ पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, क्यों? क्योंकि उसने पब्लिक ऑफिसर जो है, पब्लिक सर्वेंट जो है उसको,
को उसका काम क्या कि ऑफेंस को रोके, लेकिन हम वो ऑफेंस करने के लिए क्या है उसको ब्राइब दे रहे हैं, लेकिन चाहे उसने मना कर दिया हो तब भी हम लायबल हैं उसके लिए। सिंपल वही सेम आगे भी अगर फॉल्स एविडेंस देता है, अगर वो हाँ भी करते थे या ना भी करते हैं मतलब कि उसकी, तो यहाँ बेटर जो है वो लायबल होगा। सिंपल इतना है, ठीक है। 117 कहता है अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10%, हुएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस बाय द पब्लिक जनरली और बाय नंबर ऑफ क्लास और पर्सन एक्सीडिंग 10%। अगर कोई किसी पर्सन या जो 10 लोगों से ज़्यादा है उनको मैं क्या करता हूँ इंस्टिगेट करता हूँ कुछ काम करने के लिए, जैसे भीड़ को भड़काना, ठीक है। शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मैं एक्सटेंड टू 3 साल तक की सजा हो जाएगी, जुर्माना या दोनों, ठीक है। मैं किसी को जैसे ये तो आपने देखा होगा भीड़ को भड़काने के लिए कोई लायबल होता है तो वो इसी सेक्शन में लायबल हो जाता है ना। हुएवर अबेट्स, देखो कोई भी अगर अबेट करता है किसी ऑफेंस को कमेंस करने के लिए जो कि जनरली आम जनता से करवाएं या फिर कोई पर्सन से जो कि 10 से ज़्यादा लोग हों उनसे करवाएं। देखो 10 से ज़्यादा लोग होने चाहिए या आम जनता है, मतलब 20 30 40 जितनी भी हो, पूरी कॉलोनी को पूरी सबको भड़का रहा हूँ मैं, वो भी इसमें आ जाएगा। ये मतलब मिनिमम बता रखा है 10% तो होनी चाहिए और बाय एनी नंबर और क्लास कोई भी हो, ठीक है, ऑफ पर्सन किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, कितने भी नंबर हो 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन शैल बी पनिश बता रखे कि 3 साल तक की सज़ा, जुर्माना और दोनों हो सकते हैं। इलस्ट्रेशन बता रखा है, इलस्ट्रेशन आप समझो, वैसे तो ये समझ गए होंगे जनता लोग नेता ये करते हैं, ठीक है। ए एफेक्सेस इन अ पब्लिक प्लेस, ए ने क्या करा एक पब्लिक प्लेस पर कुछ चिपका दिया, प्ले कार्ड चिपका दिया जिससे इंस्टिगेट, जिससे क्या हुआ कोई किसी धर्म का सेक्ट हो गया ना, किसी धर्म का की भावना आहत होगी। और मुझे पता है कि जहाँ मैंने चिपकाया है वहाँ से 10 से ज़्यादा लोग हैं, वो इंस्टिगेट हो गए एकदम से और उन्हें कोई ऑफेंस कर दिया, तो यहाँ मैं क्या हूँ मैं लायबल होंगे वहाँ पर फॉर द पर्पज़ ऑफ अटैकिंग द मेम्बर ऑफ एन एडवर्स सेक्ट। तो मुझे पता है ये भीड़ को लगेगा कि इस भीड़ ने काम करा है जो आजकल नेता करवाते हैं, हिंदू धर्म में ही कुछ और करवा देंगे, मुस्लिम धर्म में और कुछ करा देंगे, दोनों आपस में बढ़ जाएंगे, तो ये अबेटिंग करी है उन्होंने थी, तो वो 117 के लिए अंदर वो लायबल हो जाते हैं। 118 कहता है कंसीलिंग, देखो 118 से 120 तक जो है ना वो हमारे कंसील के आते हैं, मतलब छिपाना, कंसीलमेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है, उस चीज़ को छिपाने के लिए सेक्शन है 118 19 20। कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसकी पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है लेकिन मैं कंसील कर रहा हूँ उस डिज़ाइन को, छिपा रहा हूँ उसको, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट बता रखी है। हुएवर इंटेंडिंग टू फैसिलिटी या कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ और नोइंगली और जानबूझ कर इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, वॉलंटरी कंसील जानबूझ कर छिपाता हूँ उस एक्ट को या उस कुछ ऑमिट करता हूँ उस पार्ट को, ठीक है, और बाय द यूज़ ऑफ इंक्रिप्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग, कोई हाइडिंग टूल या किसी चीज़ को मैं हाइड कर रहा हूँ द एग्जिस्टेंस ऑफ डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस और मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन। देखो सपोज करो मैंने क्या काम करा, किसी से अटैम्प्ट बोला कि ये नक्शा बना दी, ये उसके घर में जा, ठीक है, और मर्डर कर दें, ऐसे ऐसे नक्शा तैयार कर दिया। अब क्या करते हैं मैं उस नक्शा जो है उसको भी छिपा रहा हूँ या वो मर्डर करके आ गया जिस वेपन से उसको मैंने छिपा रहा हूँ, तो कंसील कर रहा हूँ इस तरह को, उसकी मर्डर की पनिशमेंट क्या है डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट, ठीक है, उस उसके टूल को, उसके जो मैंने नक्शा बनाया था उस नक्शे को छिपा रहा हूँ, उसके टूल को छिपा रहा हूँ या उसे ही छिपा रहा हूँ या उसको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे वो छिप जाए, ठीक है, या फिर कोई एनी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो सबको गलत ही लगे विच ही नोज टू बी फॉल्स रिस्पेक्टिंग सच डिज़ाइन। तो क्या हुआ ये कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन हुआ, कंसील कर रहा हूँ ना मैं जिसकी पनिशमेंट डेथ और इम्प्रिजनमेंट है उस एक्ट को मैं कंसील कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इस सेक्शन में बताया 118 में। इफ ऑफेंस भी देखो आगे क्या जोड़ दिया गया, इफ ऑफेंस भी कमिटेड, इफ ऑफेंस वो भी दोनों हो सकते हैं कि ऑफेंस करा हो या ना ही करा हो, ठीक है, उसमें बता रखा है अगर नहीं करा है डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में, लेकिन आप कंसील कर रहे हो उस चीज़ को छिपा रहे हो, लेकिन उसने जो अबेटेड पर्सन है उसने क्या काम करा वो डेथ वाला जो जिसमें डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी वो एक्ट को, मर्डर सपोज करो अबेटेड पर्सन ने मर्डर नहीं करा है लेकिन मैं फिर भी उस हाइडिंग कर रहा हूँ उसके टूल्स को, ठीक है, मैंने जो टूल दे दिया ले से जाके चाकू से इसको भाई वो वाली छुरी है इसको जाके मार दे उससे, अच्छा भले उसने नहीं करा हो लेकिन मैंने वो टूल तो छिपा कर रख दिया ना, उसके जो नक्शा वक्शा बनाया उनको छिपा दिया या उसे बोल दिया चल अब तू गाँव चला जा, जो छिप जा तू जाकर कहीं अंडरग्राउंड हो जा, हालांकि उसने नहीं करा है तब भी मैं लायबल हूँ, ये बता रखा है। इफ़ ऑफेंस भी कमिटेड या नहीं होता है, होता है जब भी सेल, इफ दैट ऑफेंस भी कमिटेड अगर ऑफेंस कर देता है जिसकी पनिशमेंट
पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर जिसकी अच्छा नहीं करता है तो उसको 7 साल तक की 7 साल तक की पनिशमेंट हो जाएगी अगर वो ऑफेंस करता है कमिट करता है, और नहीं करता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो जाएगी और जुर्माना भी हो जाएगी। मतलब कि वो कर देता है उस पनिशमेंट उसको, कंसील वाली बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो पर्सन कंसील कर रहा है इस चीज़ को, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जिसमें पनिशमेंट है उस एक्ट को वो पर्सन कर देता है, ठीक है, अबेटेड पर्सन, और जो छिपा रहा है इसको उसको बता रहा है कि हाँ पनिशमेंट, ठीक है, अबेटर को तो ऑब्वियसली मर्डर की पनिशमेंट मिल जाएगी, लेकिन जो कंसील कर रहा है ना उसके बता रहा कि पनिशमेंट या उसको मिल जाएगी कितने साल तक की सज़ा, 7 साल तक की सज़ा हो जाएगी, और अगर ऑफेंस नहीं भी हुआ जब भी छिपा रहा है वो तो 3 साल तक की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों जुर्माना मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए नोइंग दैट अ डकैती इज़ अबाउट टू बी कमिटेड एट बी, ए को पता था जान कि ये बी के यहाँ डकैती होने वाली है, फॉल्स और हाँ फॉल्सली इन्फॉर्म मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर रहा है कि डकैती बी की नहीं सी के होने वाली है, ठीक है, ए प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन भेज दे कि भाई इधर ना जाए इधर चला जाए, ठीक है, द डकैती इज़ कमिटेड बी के घर में यहाँ डकैती हो जाती है उस डिज़ाइन में, वो डिज़ाइन रेडी किसने करा है, ए ने करा है, तो ए पनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन में कि ए ने वो डिज़ाइन करा ना इस तरीके से कि हाँ नहीं कंसील करा उस डिज़ाइन को, कि बी की चोरी नहीं सी की चोरी, वहाँ चले जाओ, मजिस्ट्रेट साहब और सब उधर चले जाते हैं सी की तरफ, बी के यहाँ डकैती हो जाती है, तो ए ने कंसील करा है ना तो वो उसमें लायबल है। 119 हो गया पब्लिक सर्वेंट। अब देखो वही काम क्या करता है, पब्लिक सर्वेंट करता है किसी डिज़ाइन वगैरह को कंसील, देखा होगा आपने अपनी मूवीज़ वगैरह अक्सर में, हालांकि मैं नहीं कहता हूँ कि आपकी मूवीज़ पर रिलाई करो, लेकिन आप उससे कुछ चीज़ें रेट कर सकते हो कि मूवीज़ में दिखाते हैं कि पब्लिक सर्वेंट ही मिल जाते हैं वो किसी मटेरियल फैक्ट को कि किसी टूल को किसी उसको वेपन को हाइड कर लेते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि प्रिवेंट करना, ठीक है। हु एवर बींग अ पब्लिक सर्वेंट इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल बी देयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस विच इट इज टू बी सच पब्लिक सर्वेंट टू प्रिवेंट पनिशमेंट बता रखें, वॉलेंट्री कंसील्स बाय एन एक्ट और ऑमिशन और बाय द यूज ऑफ इंक्रिप्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल द एक्सरसाइज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिजाइन टू कॉमिट सच ऑफेंस और मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स रिप्रेजेंटिंग रिस्पेक्टिंग सचिन, वही बताया कि सेम जो ऊपर है कि अगर वो पब्लिक ऑफिसर करता है, क्योंकि पब्लिक ऑफिसर पे ना थोड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उनको, थोड़ी थोड़ा इनको स्ट्रिक्ट लिया जाता है, क्यों, क्योंकि यार उनका काम है कि ऑफेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, इफ ऑफेंस भी कमिट, अगर ऑफेंस कर देते हैं वो हो जाता है ऑफेंस तो उनको पनिशमेंट दे रखे, पनिशमेंट पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन जो ऑफेंस किया वो पनिशमेंट मिल जाएगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट, उसकी 1/2 तक भी एक्सटेंड हो सकती है, और विद सच फाइन, फाइन भी हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं। नीचे बता रखा है कि अगर वो पनिशमेंट जो है वो डेथ की पनिशमेंट है, ठीक है, डेथ या एटसेट्रा मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इफ़ द ऑफेंस भी पनिशमेंट विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन, उसमें फिर क्या होगा उसको 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी पब्लिक ऑफिसर को कि वो हाइड कर रहा है कंसील कर रहा है। ऊपर अपने सेक्शन में देखा होगा कि कोई पर्सन कर रहा है तो उसको 7 साल तक की सज़ा होगी, लेकिन पब्लिक सर्वेंट कर रहा है ना तो उनकी ड्यूटी है वो बाउंड बाय लॉ है, उनकी ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना, तो उन पर थोड़ा प्रोटेक्ट उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए लिया जा रहा है कि वरना अदरवाइज सब ऐसे कर लेंगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा पुलिस ऑफिसर्स के पास से, तो इसलिए उनके ऊपर पनिशमेंट 10 साल तक की ज़्यादा दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, आम आदमी के ऊपर 7 साल के दे रखे हैं। अगर उसकी डेथ वो ऑफेंस जो है ना वो डेथ का है, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और वो एक्ट हो जाता है और वो कंसील कर रहा है छिपा रहा है मटेरियल फैक्ट को और इन सब चीज़ों को टूल्स वगैरह को इंक्रिप्शन वगैरह को इनको छिपा रहा है पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी। अगर वो नहीं होता है ऑफेंस क्या होगा, लेकिन सपोज़ करो बोल दिया कि ये ऑफेंस करना है जब भी वो मटेरियल फैक्ट जो कंसील कर रहा है उस फैक्ट को छिपा रहा है, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा, हालांकि वो एक्ट नहीं हुआ है लेकिन उसका काम अपना तो उसने काम करा है ना, वो एक्ट हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, तो पब्लिक ऑफिसर जो है उसने तो अपना काम करा, या हो वो एक्ट या ना हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, अपना उसने काम करा है, ठीक है, तो उसमें 1/4 तक की पनिशमेंट मिल जाएगी जो कि लॉन्गेस्ट टर्म है उसकी पनिशमेंट, विच में एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट, जो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी ना उसकी 1/4 पार्ट तक की उसे पनिशमेंट मिल सकती है, और विद सच फाइन एज इफ द प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, और जो ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दे रखी है वो भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। 120 लास्ट आ गया, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अब देखो क्या है,
कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल। अब देखो ऊपर तो मैंने बता दिया ना कि डेथ की हो गया, ठीक है, ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं कमिट हुआ है उसके बता दी, ठीक है। अब इसमें बताया है कि अगर वो पनिशेबल अगर इम्प्रिजनमेंट है, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट के ऊपर है जब वो कंसील कर रहा है उस डिज़ाइन को, ठीक है। हु एवर मतलब कोई भी, पब्लिक ऑफिसर की बात नहीं हुई यहाँ पर 120 में, ऊपर 119 में जो है वो पब्लिक सर्वेंट के हैं। तो 119 में पब्लिक सर्वेंट के 10 साल तक की पनिशमेंट हो जाएगी, और फिर नीचे बता रखी कि 1/2 तक हो जाएगी अगर वो ऑफेंस कमिट कर रखा है तो, ठीक है, नहीं भी करता है तो 1/4 हो जाएगी उसकी लॉन्गेस्ट टर्म की पनिशमेंट। 120 बता रखा है, हू एवर कोई भी इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल बी थereby फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट। कोई भी अगर उसी को पता है कि कंसील कर रहा है, पैसा आने वाला है क्या, हालांकि है तो नहीं, ही विल देयर बाई फैसिलेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट। वॉलेंट्री कंसील, देखो आप देखोगे आपने नोटिस करा होगा कि हर उसमें वॉलेंट्रीली कंसील्स लिखा है, मतलब कि जानबूझ कर ही तो छिपा है कोई, अगर कोई गुड फेथ में छिपा रहा है या फिर कोई कोई ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक है, लॉफुल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये सही है, तो वो नहीं है इसमें वॉलेंट्री, मतलब स्वेच्छता से जानबूझ कर वो छिपा रहा है उस चीज़ को, ठीक है। जब बाय एनी एक्ट और इलीगल ऑमिशन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस और मेक्स एन रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स रिस्पेक्टिंग सच डिजाइन ऑलवेज इफ ऑफेंस बी कमिटेड और नॉट कमिटेड बता रखा है। इफ द ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ द इधर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड, जो ऑफेंस में पनिशमेंट लिखेगी वो उसको पनिशमेंट की मिल जाएगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4 तक एक्सटेंड हो सकती है, और इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड अगर ऑफेंस वो नहीं होता है तो टू 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इंप्रिजनमेंट। देखो सिंपल इंप्रिजनमेंट की बात करी गई ना इसमें, तो सिर्फ इंप्रिजनमेंट की, कि आप सपोज करो 3 साल की पनिशमेंट होगी या फिर कि आपको पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी, ठीक है, मेंशन नहीं कर रखा है 3 की होगी 5 की होगी 7 की होगी, क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी इंप्रिजनमेंट मिलेगी, इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, और वो एक्ट हो जाता है तो इसमें बता रखा है कि कमिट हो जाता है तो विच में एक्सटेंड टू 1/4 हो जाएगा, अगर वो नहीं होता है तो 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इंप्रिजनमेंट, और फाइन और बोथ दोनों ही है। ये हमारा हो गया सेक्शन नंबर 107 से 120 जो कि चैप्टर 5th है अबेटमेंट का, ये हमने जान लिया है समझ लिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितना समझो, 107 108 109 को थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, और सब्सटेंटिव सेक्शंस भी पढ़ो, पढ़े सारे पढ़ने सारे चाहिए आपको, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो हमने क्या जाना आज, हमने जाना कि अबेटर, हु इज़ अबेटर, अबेटर कौन है, अबेटेड हम कब कहेंगे किसी को, हमने अबेट करा है कि हम किसी को इंस्टिगेट कर रहे हैं, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटेंशनली एड कर रहे हैं या इंगेज हो रहे हैं, लोग दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर कोई कॉन्स्परेसी कर रहे हैं अबेटमेंट के लिए, तो वो अबेटर अबेटमेंट मानी जाएगी, और जो कर रहे हैं वो अबेटर मानी जाएंगे। अब वो बता देगी, फिर हमने 118 से 120 बता दी कंसीलमेंट के लिए, अगर कोई कंसील कर रहा है उस मटेरियल फैक्ट को, कोई टूल को जो ऑफेंस उसने करा है उसको छिपा रहा है वो अलाइबल है इसमें, 119 में पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, 120 में इम्प्रिजनमेंट की बताई है, ठीक है। और उससे पहले हमने जाना है कि सॉरी, ठीक है, ये हमने जाना 112, देखो 112 भी इम्पॉर्टेंट है, हाँ, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट एक बार पूछ रहे थे कि अबेटर की जो क्यूमुलेटिव पनिशमेंट है वो किस सेक्शन में बता रखे हैं, तो 112, ठीक है, इसमें प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, हालांकि इससे पता है केस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, केस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं कि ए ने चाकू दिया बी को और बोला कि सी से पर्स छीन कर ला, सी ने मार दिया, बी ने सी को मार दिया, तो ऑप्शन आ जाएगा ए इज लाइबल फॉर मर्डर, ए इज लाइबल फॉर अबेटमेंट टू, ये क्या है क्या बोलता है मारने के लिए, अबेटमेंट टू मर्डर, ए इज लाइबल टू रेप, ए इज लाइबल टू थेफ्ट, किस चीज़ लाइबल होगा, तो उसने थेफ्ट भी करी है और मर्डर भी करा है, तो दोनों के लिए लाइबल है, क्यों, क्योंकि वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है, आज हमने ये जाना। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5th A की, ठीक है, जो कि 1913 में ऐड हुआ था, जो बताता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अच्छा है, छोटा सा है, 120B इसकी पनिशमेंट बता रखी है 120B में, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो एक वीडियो में हम अपना 121 से लेके 130 दस सेक्शन है चैप्टर नंबर 6th, इसको हम कवर करेंगे। तो कुछ हैं, कुछ सेक्शंस हमें छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है,
जो इतना सच नहीं, क्योंकि ऐसा पढ़ोगे आप 511 सेक्शन, अभी तक हम यहीं पहुँचे हैं, ठीक है, 120 तक, तो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा सिलेबस आपका। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से जो हैं, जो जनरली पूछ लिए जाते हैं, उनको ही हम पढ़ें, क्योंकि सारा जब भी नहीं पढ़ा जाएगा, कोई इतना रट नहीं सकता सब चीज़ों को, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हमें। तो दैट्स इट, अगर आपको हमारे चैनल और हमारी लॉ वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आज की वीडियो में दैट्स इट, 120, एक सेकेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।